जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जिसका ज्योतिषीय, वास्तु और औषधीय तीनों ही प्रकार से उपयोग है। तो ये है वो बेल, इसको विष्णु कांता कहते हैं और इसका चर्चित नाम अपराजिता है। और विष्णु कांता इसका नाम है कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि यह श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। और श्री हरि विष्णु जी को प्रिय है तो ऑब्वियसली ये माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। यह बेल दो प्रकार की होती है फूलों के आधार पर। एक में ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, दूसरे में वाइट कलर के फूल आते हैं। तो हमारे घर में ये दोनों बेल लगी हुई है। तो जिस घर में अपराजिता की नीली और सफ़ेद दोनों जाति की लताएं मुख्य द्वार के दोनों ओर लगी होती है, उस घर पर शत्रुओं की पीड़ा कभी नहीं होती है। उन लताओं के मुख्य द्वार पर होने से उस घर में सुख शांति और समृद्धि के साथ महालक्ष्मी का भी स्थिर निवास हो जाता है, क्योंकि इनका एक नाम जो है वो विष्णु कांता है। हम बात करते हैं अपराजिता के ज्योतिषीय महत्व की। तो प्रत्येक शनिवार को नीली अपराजिता की जड़ों में जल अर्पित करने से और उसके आसपास अगरबत्ती लगाने से शनि की पीड़ा शांत होकर शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। और यही सब सफ़ेद अपराजिता के साथ करने पर चंद्र ग्रह की पीड़ा शांत होती है और चंद्र देव की अनुकंपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति स्नान करते वक्त अपराजिता के पुष्प को स्नान जल में डालकर उससे स्नान करता है तो उसकी सर्वग्रह पीड़ा निवारण होती है। ये तो था अपराजिता का ज्योतिषीय महत्व। अब हम अपराजिता का वास्तु में क्या महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपराजिता के पौधे का घर की सीमा में होना बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी का सदैव वास रहता है, सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा अपराजिता के बहुत सारे औषधीय महत्व भी हैं। अपराजिता के औषधीय उपयोग में सबसे ज़्यादा इसकी जड़ काम में आती है। खांसी को दूर करने के लिए अपराजिता की जड़ का रस जल में मिलाकर पीने से खांसी में लाभ होता है। बुखार या ज्वर होने पर अपराजिता के रस को नासिका से थोड़ी मात्रा में लेने पर जड़ ठीक हो जाता है। अपराजिता की जड़ की राख को मक्खन के साथ पीस कर चेहरे पर लगाने से झाइयाँ दूर हो जाती है। अपराजिता की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से कुष्ठ रोग दूर होने लगता है। तो अपराजिता की बेलें बहुत ही दिव्य होती हैं। तो आप इसे किसी ना किसी रूप में अपने घर में लगा सकते हैं। जय श्री कृष्णा।